का रेलवे स्टेशन। एवरीवन, मेरा नाम सुजीत कुमार महतो और आप देख रहे हैं ट्रेवल चैनल। फिर से नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी हम वडोदरा के रेलवे स्टेशन पे हैं और यहाँ से एक ट्रेवलिंग करने वाले हैं। पता नहीं छोटा सा है लेकिन अमेजिंग है, ठीक है। आप मेरे चैनल में बने रहिए, वो अमेजिंग क्या है और दुनिया का अमेजिंग वो चीज़ है आप भी देख सकते हो। भगत मेरे चैनल पर बने रहिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। जैसे कि मैं आज अभी सुना, बचपन से ही या जब से पढ़ रहे थे तब से ही सुना हुआ था स्टेचू ऑफ लिबर्टी, लेकिन हमारे इंडिया में बिगेस्ट स्टेचू बनाया गया है वल्लभ भाई पटेल जी का, और वो स्टेचू मैं देखने जा रहा हूँ, ठीक है। और यदि उसका स्टेशन एकता नगर पड़ता है वल्लभ भाई पटेल जी का, अगर आप यदि जाना चाहते हो वडोदरा से, जैसे मैं अभी फ़िलहाल वडोदरा में हूँ, यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा ट्रेन का। वो भी जनरल टिकट मिलता नहीं है, इसका आपको रिजर्वेशन टिकट बनाना पड़ेगा। आपको फिर यहाँ से रिजर्वेशन टिकट बना के एकता नगर रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा। एकता नगर रेलवे स्टेशन के लिए आपको यहीं से टिकट मिलेगा, बाकी आप डायरेक्टली एकता नगर ऐसे नहीं जा सकते हैं। ट्रेन के लिए मैं बताया, ट्रेन में फिलहाल बैठ चुका हूँ, सफर शुरू हो चुका है। बस में बैठूंगा, देखिए लोग जा रहे हैं। ओवर इंडियन फ्लैग, ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का बस। बस की फ्री सेवा
मेरे पीछे जो बस देख रहे हो इसी बस से मैंने एकता रेलवे स्टेशन से बैठा, ये फ्री सेवा है बस के लिए, बस से यहाँ पे उतार दिया जाता है और ये पार्किंग भी है बसों के लिए, ओनली ऐसे टूरिस्ट के लिए पीछे ही पार्किंग है, लेकिन यहाँ तक आपको बस है उसमें आपको आना पड़ेगा। ये देखिए चारों तरफ बस भी आ रही है पीछे भरी से भरी। देखिए पीछे स्टेचू ऑफ यूनिटी, इंडिया का नहीं पूरे वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टेचू जो इंडिया में बना हुआ है, पीछे से थे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। बट मैं फिलहाल अकेले आया हूँ, इसी को मज़े लूँगा। सारे बस पार्किंग में लग गए हैं जो रेलवे स्टेशन आए थे। आगे कितनी भीड़ भी है देख सकते हैं, आगे टिकट उकट कटाना पड़ेगा फिर आगे जाएंगे हम लोग। चारों तरफ आप देख सकते हो, अच्छा लग रहा होगा देखिए। भाई मैंने फ़िलहाल टिकट करवा लिया हूँ और टिकट यहाँ का सिस्टम दो तरह का है, एक 150 रुपया का जो उसके पैर तक जाने के लिए और पूरा ऊपर चेस्ट तक जाने के लिए 380 रुपया टिकट लगता है। बट ऊपर जाने के लिए अभी पूरा टिकट फुल हो चुका है इसलिए मैं वो टिकट लिया नहीं, बट जो भी है देख तो लूँगा सामने से, देखता हूँ आगे चलता हूँ अपनी जर्नी शुरू करता हूँ। भीड़ तो बहुत है बट चलता हूँ। भीड़ बहुत है, जगह भी बहुत शानदार है, आप देख सकते हैं। टिकट कटवा के चेक करवा के मैं अंदर घुस चुका हूँ। स्टेचू ऑफ यूनिटी देख रहे हो आप, पीछे मूर्ति है, अभी यहाँ पे फिर पास करेंगे। फाइनली आई रीच्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल टॉलेस्ट स्टेचू इन वर्ल्ड। देख सकते हैं पीछे भीड़ भी बहुत है, ठीक है। मैं तो पहुंच चुका हूं और अभी ये जो लिफ्ट का सिस्टम से मैं आगे जा रहा हूं, तो दूर यहां से तो बहुत है, देखने से लगता नहीं बट दूर तो है, मज़ा आ रहा। लेकिन भाई आप लोग भी कभी आइएगा घूमने के लिए, ऐसे मौका मिलते नहीं है। अभी इंडिया में टॉलेस्ट स्टेचू है आप समझ सकते हैं। ओके कहाँ गए हम
देख रहे हो स्टेचू ऑफ यूनिटी, कितने बड़े स्टेचू है। देखिए अभी भी कितना भीड़ आ रहा है, बहुत भीड़ है। मैं तो घूम गया, धीरे धीरे आगे निकलूंगा। स्टेचू ऑफ यूनिटी को सामने से भी देख लिया, अच्छा खूबसूरत। फाइनली आई रीच्ड सरदार वल्लभ भाई पटेल वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टेचू। देख लो ये इसका पैर है, पैर तक भी नहीं आ रहे हैं, इतना बड़ा है कि देख लो, देख सकते हो। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो वल्लभ भाई का मूर्ति है ना, उसके नीचे आ चुका हूँ। उसके नीचे में उसके बारे जानकारी सारा कुछ दिया गया है, क्या कब कैसे स्थापना हुआ, और उसके देखिए उसके सर का भी एक बना के रखा हुआ है यहाँ। उसके बाद भीड़ बहुत है, आप देख सकते हैं। ये गैलरी है, यहाँ दिखाया गया है सब कुछ, अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। बट अकेले हैं क्या करें। ये थिएटर भी लगा हुआ वर्ष 1946 से 1950 तक यहाँ पे सत्ता बहुत लगभग पटेल जी की जानकारी दिया गया हुआ जो इतने सारे यहाँ के लोग दिखाए गए हैं। ये क्या बता, झारखंड राष्ट्रीय फूल प्लास। देखिए
यहाँ मोवापुर झारखंड का यहाँ पे सारे जो है अलग अलग स्टेट का जो प्रमुख है वो दर्शाया गया है इसके अंदर। ओनली सर का मूर्ति बना के रखा हुआ है तो बहुत अच्छा लग रहा है घूमने में। अभी मैं पूरा स्टेचू के अंदर ऊपर घूम घाम के आ चुका हूँ और बस पकड़ूंगा और आगे अपने ब्लॉग को समाप्त करूँगा। आप भी आए और टॉलेस्ट स्टेचू का वल्लभ भाई पटेल तो जानते ही हैं, लेकिन आप आइए देखिए बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरा मनोबल बढ़ता रहे।